हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू अवर यूट्यूब चैनल पेरी स्टडी ऑनलाइन क्लास 7। टॉपिक चल रहा है अपना ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, एक्सरसाइज 10.1। पहले तीन क्वेश्चन आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, हुण आप करन जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो सो क्वेश्चन नंबर 4 की कह रहे हैं आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आप एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको तीन क्वेश्चन गिवन है, डायग्राम लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो नू एंड तक जरूर देखियो। ओके, तो जेकर साडा चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसक्राइब जरूर करियो, क्योंकि इस चैनल के उपर मैथ्समेट जो बुक है अकाल अकैडमी के होर स्कूलों में लगी है उन्होंने सोल्यूशन प्रोवाइड करवाए जाते हैं क्लास 6 टू क्लास 8। एंड रोज़ रात को 8:30 बजे इतने एक मैथ की लाइव क्लास भी लगती है फोर क्लास 10th। जे कोई तुहाडा ब्रदर सिस्टर 10th क्लास पढ़ता है तो उन्होंने जरूर दसो, 8:30 बजे मैथ की लाइव क्लास लगती है जिंद MCQ करवाए जाते हैं। ओके, क्योंकि टर्म 1 के मेनली MCQ आएंगे। तो आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 तो। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। पहला डायग्राम आपको गिवन है, देखो ये जो क्वेश्चन है ट्रायंगल वाले, डायग्राम तो बिना पॉसिबल नहीं है, इसलिए डायग्राम जो गिवन है तो उन्होंने जरूर बनाओ। जे नहीं भी गिवन तो भी कोशिश करो कोई ना कोई डायग्राम बनाने की उनके रिलेटेड। ओके, सो अपन ये सी पॉइंट है, ये ए है, ये अपने को बी है, इन दी वैल्यू एक्स ए की आ गया अपने को 110, तो ये अपने को आ गया 35। पहला तो यह ध्यान रखो जो एंगल गिवन है जो फाइंड करने है या गिवन है वो इंटीरियर है या एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब ट्रैंगल के बहरले पासे, ये देखो सारे ट्रैंगल के अंदर बनते हैं, तो ट्रैंगल के अंदर वाले एंगल नूं की कहिंदे इंटीरियर एंगल, तो ट्रैंगल के तिने इंटीरियर एंगल का सम कि होंगे 180। सो आप लिखा कि आप लिखा इन ट्रैंगल ए बी सी, ए बी सी नाम देता आप पहला लिख लो। एक्स आप करना है फाइंड, इनू मैं वाई नाम देता, वाई कि आ गया 110, तो जैड कि आ गया अपने को 35 डिग्री। इस तरह आ गया, इनू वाई नेम देता, इनू मैं नाम की देता जैड, एक्स आप करना है फाइंड करना है। हुण ये पता है ट्रैंगल के तीन एंगल का सम कि होंगे 180। सो आप लिखा इन ट्रैंगल ए बी सी एक्स प्लस वाई प्लस जैड का इक्वल आ गया 180। रीजन जरूर लिखना, क्योंकि रीजन तो बिना क्वेश्चन प्रॉपर नहीं है। ओके, क्वेश्चन जो फुल मार्क्स चाहते हो तो रीजन जरूर लिखो। ए एस पी का मीनिंग की होंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रैंगल, शॉर्ट फॉर्म है ए एस पी। ओके, सो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वाई कि आ गया 110, तो जैड कि आ गया 35 इक्वल टू की आ गया 180। एक्स की वैल्यू आ गई फाइंड करने वास्ते, ठीक है, वाई गिवन है, जैड गिवन है, इक्वल टू की आ गया 180। ये दोवें वैल्यू की ने कॉन्सटेंट, सो कॉन्सटेंट आपस के एड होंगे, सो एड हो गए कि बन गया 145 इक्वल टू की आ गया 180, क्योंकि 110 में 35 ऐड करोगे 145 का साइन की है पॉजिटिव, जो लेफ्ट से पॉजिटिव है राइट साइड जाके नैगेटिव। सो एक्स कि आ गया 180 माइनस 145, तो एक्स की वैल्यू भी कितनी आ गई मेरे को 35। ओके, जो माइनस करांगे तो एक्स कितना आ गया 35 आ गया। प्रॉपर्टी केड़ी यूज की थी, ट्रैंगल दे तीन एंगल का सम 180 होंगे, एक एंगल एक्स फाइंड करना है, इनू वाई नेम देता इक्वल टू 110, इनू जैड नेम देता जो का दे इक्वल है 35 दे, तो जो आप सॉल्व किया तो एक्स कितना आ गया 35 आ गया। ओके, नैक्सट डायग्राम नंबर 2, अगे अपन डायग्राम 2 दिता हुआ, थोड़ा जा अलग जा क्वेश्चन है क्योंकि एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है, कुछ इस तरह का डायग्राम है। ये अपने को पी आ गया, ये क्यू, ये आर, ये अपने को 120 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये वैल्यू आप एक्स फाइंड करनी है। तो ध्यान नाल समझो क्वेश्चन किवें करांगे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है, पर आपां कि प्रॉपर्टी पता है इंटीरियर एंगल की, तो पहला आपां की करना पएगा इनू नेम देना पएगा, इनू नाम की देता मैं वाई, इनू नाम की देता वाई। सब तो पहला वाई की वैल्यू फाइंड करांगे, फिर आपां वाई नू यूज करके ट्रैंगल दे थर्ड एंगल की वैल्यू फाइंड करांगे। ओके, हुण इह गल देखो, आ स्ट्रेट लाइन है, आ स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के उपर जिहड़े आ दो एंगल बन रहे आ, दोवां दा सम कितना हो गया 180, कुछ इस तरह का बन रहा ना, कुछ इस तरह का बन रहा। ए वाई है, ए किन्ना 120 है, आ स्ट्रेट लाइन होगी तो इनके उपर बनने वाले एंगल का सम कि हो गया 180। वाई लीनियर पेयर, क्ला 9th चैप्टर के आप पढ़ चुके हैं लीनियर पेयर के बारे, लाइन के उपर एंगल बन रहा तो यह बन गया लीनियर पेयर। सो आप लिखा वाई
प्लस 120 का दे इक्वल है 180। रीजन की आ गया लीनियर पेयर, लीनियर पेयर आ गया, वाई दी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। और देखो लेफ्ट ते पॉजिटिव है, राइट ते जाके नेगेटिव, सो वाई दी वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 120, तो वाई दी वैल्यू आ गई 60 डिग्री। वाई दी वैल्यू आ गई मेरे को 60 डिग्री, वाई आ गया। हुण आपां कल्ला एक्स फाइंड करना है, तो आपां इहनूं थोड़ा जिहा अलग डायग्राम बना लांगे, ठीक है। इहनूं की करिया करो, पूरी तरह एक्सप्लेन कर लिया करो, एक्सपेंड कर लिया करो। ये वाई है, ये 90 है, ये अपने कोल की आ गया एक्स, पी क्यू ते आर। इहनूं मैं की नेम देता जैड, इहनूं की नेम देता जैड। जैड किन्ना गिवन है मैनूं, जैड गिवन है 90 डिग्री, ओके। इहनूं मैं नेम देता जैड, ए एक्स हो गया, ए वाई, ए की हो गया अपने कोल जैड। हुण ट्रायंगल दा नेम डिफरेंट आ गया, पहला तो आपां ए बी सी लैके चल रहे सी, हुण की आ गया पी क्यू ते आर। आपां लिखांगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर एक्स प्लस वाई प्लस जैड का दे इक्वल है 180। रीजन की आ गया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल दे तीन एंगल दा सम कितना होंदा 180 डिग्री। सो एक्स दी वैल्यू फाइंड करनी है, वाई हुणे हुणे लभ के लैके आंदा किन्ना 60, जैड भी पता मैनू किन्ना 90 इक्वल टू की आ गया 180। पहला बेटा वाई नू फाइंड करना, वाई तो बाद आपां एक्स नू फाइंड करांगे। जैड तो आपां नू गिवन है 90 डिग्री, ओके, इहनू आपां यूज कर लांगे। सो ये दोवें कॉन्सटेंट है, इन्हां दोवां नू ऐड करो किन्ना आ गया 150 इज इक्वल टू 180। एक्स प्लस 150 इक्वल टू की आ गया 180। हुण लैफ्ट ते की है पॉजिटिव, जो लैफ्ट ते पॉजिटिव है राइट साइड जाके की हुंदा नैगेटिव। सो जे आपां नू नैगेटिव करांगे तां एक्स दी वैल्यू किन्नी आ गई 180 माइनस 150, सो एक्स दी वैल्यू किन्नी आ गई 30 डिग्री, ओके। तो ये अपने को आंसर आ गया एक्स किन्ना आ गया 30 डिग्री, ओके। पहला की यूज़ किया, पहला ये वाला इंटीरियर एंगल फाइंड किया, उस तो बाद इस एंगल नू यूज करके ट्रायंगल दे विच्चों आपां एक्स दी वैल्यू फाइंड की, ओके। उस तो बाद क्वेश्चन नंबर सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टफ भी है, सो ध्यान नाल जरूर देखियो क्वेश्चन। आपां की पूरी तरह इहनूं एक्सप्लेन करांगे एक्सपेंड करके, एक्सपेंड का मतलब अलग अलग करके, ओके। सो डायग्राम पहले तो अजीबो गरीब जहा थोड़ा जहा कुछ इस तरह का, उस तो बाद अगे वधाता इहनूं इस तरह लै गए, इतों लै गए, ठीक है। ये ट्रायंगल बन गया अपने कोल ए डी ई बी ते सी, ए किन्ना 55 डिग्री, ए 95 डिग्री, ए एंगल आपां नूं पता नहीं किन्ना, ठीक है। उस तो बाद ये छोटा जिहा एंगल दिता है 20 डिग्री है, उस तो अगला एंगल की है 35, ए वाला 35 है, ओके। तो उस तो बाद उपर आ गया अपने कोल एक्स आ गया, ये चीज़ आ गई, ओके। एक 35 दिता है, उपर वाला एक्स आपां की करना है फाइंड करना है। तो ध्यान नाल देखो कंपलैक्स जिहा डायग्राम है, इहनूं सिंपल किवें बनाया जाएगा। मैं की कीता थले वाले ट्रायंगल देखी, थले वाली ट्रायंगल का नेम की है बी सी ते डी, ए एंगल 55 है, ए किन्ना 95, आ एंगल मैनू पता नहीं, पहला आपां इहनूं फाइंड करदे हां। सो डायग्राम मैं थले बना लिया इस तरह का, ए 95 हो गया, ए मेरे कोल किन्ना हो गया 55, ए एंगल मैनू पता नहीं, इहनूं मैं नेम देता ए डी बी ते सी, इहनूं एंगल नूं की नेम देता ए, इहनूं की नेम देता बी, इहनूं की नेम देता सी, ए हो गया, ए बी हो गया, ए की हो गया सी। तां आपां लिखांगे ए दी वैल्यू फाइंड करनी आ, बी दी वैल्यू 95 ते सी दी वैल्यू किन्नी आ गई 55, ओके। नेम क्यों दिता है, क्योंकि सौखा बन जांदा क्वेश्चन, अदरवाइज तुहानूं की नेम लिखना पएगा सी डी बी या डी बी सी या बी सी ते डी, काफ़ी लंबे लंबे नाम बन जाएंगे, इसलिए ना नेम दे दिया करो ए बी सी एक्स वाई जैड पी क्यू आर एस कुछ जे नाम दे दिया करो, ओके। सो ट्रायंगल दा नेम की है बी सी ते डी, इन ट्रायंगल बी सी डी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू की आ गया 180। ए बी सी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, छोटी है वड्डी है जिड्डी वड्डी मर्जी है, हरेक का सम कितना होंदा 180, एंगल का सम कितना होंदा 180। रीजन की आएगा ए एस पी, ए एस पी मीनस एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यही चीज़ आएगी।
मैं थल्ले वाले ट्रायंगल नु सॉल्व कर रहे हैं, ऊपर वाला सारा कुछ भूल जाओ एक बार, भी ऊपर भी कुछ है ठीक है, सिर्फ थल्ले वाले नु सॉल्व करो। सो बी दी वैल्यू कितनी है 95, ए लिखी, ते सी दी वैल्यू कितनी है 55, इक्वल टू की आ गया 180 आ गया। ये चीज आ गई अपने को, 95 भी कांस्टेंट है 55 भी कांस्टेंट है, सो दोनों नु ऐड करो, इन्हें दोनों नु की करो ऐड करो। सो कितना बन गया, ए प्लस 150 इक्वल टू 180। सो ए दी वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 150, सो ए दी वैल्यू आ गई 30 डिग्री। मेरे को आ ऊपर वाला एंगल, जिहड़ा आ एंगल है ना, ये कितना आ गया 30 डिग्री आ गई ठीक है। यही चीज आ गई। हुण अपने को रह गया एक तां ए एंगल फाइंड करना, एक एक्स फाइंड करना है। सो किवें फाइंड होएगा, ध्यान नाल देखियो, थले वाल का काम खत्म होया, इनू की कर दो रफ कर दो, चलो इनका काम होया खत्म। हुण इनू किवें फाइंड करांगे, देखो मैं एक सीधी लाइन बनाती इस तरह, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये अपने कोल की है डी, डी एक तो इधर नू आ रहा है, एक इत्थे दी जा रहा है। ये एंगल आपां हुणे फाइंड कीता किन्ना 30 डिग्री, ये किन्ना 20 डिग्री, इन दी वैल्यू मैं फाइंड कर दा ठीक है। जो ए वाला एंगल है ना, पहला मैनू फाइंड कर लगा, बाकी काम बाद च देखांगे, एक्स नू बाद च फाइंड करांगे, पहला ए एंगल फाइंड कर दें। इहो जिहा कुछ डायग्राम है ना, मैं सारा एरिया रफ करता, कला बचा ए डी बी ते दो लाइना ए वालियां। ओके सो ए 30 हुणे हुणे फाइंड कीता, ए 20 है, इनू की नाम देता मैं वाई, इनू की नाम देता वाई। हुण देखो आ केड़ी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ये केड़ी लाइन है स्ट्रेट लाइन, तो इन दे उपर बन वाले सारे एंगल का सम किन्ना होएगा 180, क्यों होएगा लीनियर पेयर। सो आपां लिखांगे कि वाई प्लस 20 प्लस 30 इक्वल टू 180, रीजन की आ गया लीनियर पेयर। स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, आ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन के उपर जो एंगल बनगे इन्हों का सम कितना होएगा 180। सो की आ गया वाई प्लस 20 प्लस 30 इक्वल टू 180। सो इन्हों दोवों नू ऐड करो कितना आ गया 50, राइट साइड से 180, जो 50 है राइट से जाके की हो गया माइनस। सो 180 माइनस 50, सो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 130 आ गई ठीक है। वाई की वैल्यू आ गई 130, मतलब जो आ वाला एंगल है ना ये कितना आ गया 130 आ गया। काम खत्म आया, पहला 30 आ गया, 130 आ गया, हुण वैल्यू रह गई एक्स की। सो इनू भी काम खत्म, इनू भी की करो रफ करो। ओके सो हुण उपर वाली ट्रैंगल बनाओ, कुछ इस तरह की बन रही है, ए ई पॉइंट है, ए डी है, ए की आ गया ए, ए एक्स है 130, तो ए वाला कितना है 35, इनू मैं की नाम दिता सी वाई, ए मेरे को की आ गया जेड, उपर वाला की रह गया एक्स रह गया। ओके जो 130 है उनका नेम की है वाई, ए अपने को नाम देता इनू जेड, ए की आ गया एक्स। सो आप लिखांगे इन ट्रैंगल ए डी ई, ए डी ई एक्स प्लस वाई प्लस जेड का इक्वल है 180, रीजन की आ गया ए एस पी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रैंगल। सो वाई की वैल्यू पुट करो, वाई 130, जेड कितना आ गया 35 इक्वल टू 180, दोवें कॉन्सटेंट है, सो कॉन्सटेंट नाल कॉन्सटेंट नू ऐड करो, सो कितना बन गया ये 165, राइट साइड से किन्ना पै 180। सो 165 पॉजिटिव है, राइट ते जाके की हो गया नेगेटिव। सो 180 माइनस 165, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री, एक्स आ गया, सारा काम खत्म होया। बेटा चलना किवें, स्टेप बाय स्टेप, पहला किनू यूज किया मैं डी सी ते बी नू, या डी बी सी नू, या बी सी डी नू, जिहड़ी मर्जी ट्रैंगल ला लो, पहला ए वाला एंगल फाइंड किया सी, कैड़ी प्रॉपर्टी यूज की, एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रैंगल के तीन एंगल का सम 180 होंदा, ए 30 आ गया सी, उस तो बाद इन्ह तिना का सम कि बनता है 180, रीजन की यूज किया बेटा मैं लीनियर पेयर, 130 आ गया। उस तो बाद उपर वाली ट्रैंगल जोड़ा आ बनया होया, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके मैं एक्स की वैल्यू फाइंड की। तो जिन्ना स्टैप बाय स्टैप चलोगे उन्ना क्वेश्चन की होगा तो क्लीयर होएगा। ओके तो यह अपने को क्वेश्चन नंबर 4, नैक्सट वीडियो के आप डिस्कस करा क्वेश्चन नंबर 5।